कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उठी राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग। पेट्रोल डीजल और रसोई सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भारतीय यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, पंपोर में लक्षर के टॉप कमांडर समेत दो आतंकी ढेर। उद्धव ठाकरे ने एनसीबी पर साधा निशाना तो बीजेपी बोली सीएम ड्रग्स माफिया का समर्थन क्यों कर रहे। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई जैकलीन फर्नांडिस, अब एजेंसी ने सोमवार को बुलाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता कर, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए एम्स ऋषिकेश सदैव प्रयासरत रहता है। इस बार एम्स ऋषिकेश की आउटरीच सेल ने आईआईटी रुड़की के संयुक्त सहयोग से उड़ान एप्लीकेशन बनाया है, जो कि एक टेली हेल्थ कंसल्टेशन की सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रोजेक्ट है। इस ऐप के माध्यम से अति दुर्गम स्थान के लोग एम्स ऋषिकेश के विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं। जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा ना हो, अर्थात अति दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी, एम्स ऋषिकेश के शैक्षणिक संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज गुप्ता ने इस उड़ान मॉडल का संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन किया। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जो लोग हैं, जहाँ पर के स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है, वो लोग चिकित्सकों से कैसे संपर्क साध सकते हैं। जैसे कि हमने देखा COVID-19 पैंडेमिक में यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, तो इसलिए आप कितने भी दूर हों, आपके यहाँ इंटरनेट नहीं भी है, तब भी आप दिए गए नंबरों पर हमसे बात करके अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। आईआईटी रुड़की एवं एम्स ऋषिकेश की पहल उत्तराखंड के गांवों के लिए एक वरदान साबित। चंपावत के सीमांत कोतवाली खटीमा में देवभूमि के शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने नाबालिग 6 वर्षीय लड़की से रेप का प्रयास करने के आरोप में एक 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पास्को सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सीओ खटीमा मनोज ठाकुर ने मीडिया को बताया कि खटीमा कोतवाली क्षेत्र के मोड़ेली गांव के पास से सूचना आई थी कि एक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ रेप का प्रयास किया है। तत्काल सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया है। देखिए, कल शाम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि चंदेली के पास जो ईस्टर फैक्ट्री है, वहाँ एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम करने वाला एक लड़का पकड़ लिया है। उस सूचना पे मौके पर पुलिस गई थी और मौके से ही हमने उस लड़के को गिरफ्तार किया, जिसका नाम रविंदर निवासी न्यूरिया पिलीगी था। उसके द्वारा बच्ची से भी हमारे द्वारा पूछताछ करी गई और बच्ची ने बताया कि उसके साथ उसने छेड़छाड़ करी है, गलत काम करने का प्रयास किया, तो उस पर हमने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। और आज धनौरी से रोशनाबाद मुख्यालय पर जाने वाले मार्ग पर मौजूद गांव शिवदासपुर में कई वर्षों से सड़क पर गंदा पानी का जल जमाव हो रहा है, जिससे आने जाने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग में रात के अंधेरे में कई ग्रामीणों को चोटिल भी हो गए हैं, जिसको लेकर गाँव वालों में कई माह से भारी रोष फैला हुआ है। वहीं ग्रामीणों का गुस्सा फूट कर बाहर निकला और उन्होंने मुख्य मार्ग का जाम करते हुए प्रशासन में शासन के अधिकारियों के प्रति नारेबाजी की। हमारे गांव दिल्ली वाला शिवदासपुर में पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी पानी भरा हुआ है रोड गांव में घुसने से पहले। हम जिला अधिकारी और विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और विधायक साहब सभी को लेटर दे चुके हैं और मुख्यमंत्री के यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर से कॉल कर चुके हैं। हमने किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और पानी इतना भरा हुआ है कि लोग आने जाने वाले सभी यहाँ पे गिर रहे हैं।
हरिद्वार के खानपुर से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान सिर्फ भाजपा नहीं है बल्कि गुर्जर बिरादरी से भी है। बता दें कि पंजाब के नवांशहर के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले चैंपियन ने पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज आदिकाल से हिंदू धर्म और संस्कृति के रक्षक की भूमिका में रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं खाली बीजेपी का मत समझिए मुझे। मैं एशियन हैवीवेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, IFS क्वालिफाइड वीर गुर्जर लंढौरा रियासत का राजा हूँ। खाली बीजेपी से पहचान नहीं है मेरी, माफ करिएगा, गुजरों से पहचान है मेरी। ये थे मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं खाली बीजेपी का मत समझिए मुझे। मैं एशियन हैवीवेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, IFS क्वालिफाइड वीर गुर्जर लंढौरा रियासत का राजा हूँ। खाली बीजेपी से पहचान नहीं है मेरी, माफ करिएगा, गुजरों से। वैसे तो उत्तराखंड से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आगामी रविवार और सोमवार को राज्य के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसी संभावना पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर से सक्रिय होने के कारण व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ में सक्रिय होने की वजह से आज भी पहाड़ से लेकर मैदान तक तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दूसरी ओर जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 15 तारीख अक्टूबर की हो गई है, तो 8 से 10 दिन आप पीछे देख रहे हैं कि मौसम साफ ही है, लेकिन अब मौसम आगे जो है 17 तारीख से बदलाव आने वाला है। एक बहुत ही अच्छा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें काफ़ी गतिविधियां देखने को मिलेगी, तो वो 17 और 18 तारीख को जो है 2 दिन अक्टूबर में ये जो है वो उत्तराखंड को प्रभावित करेगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो 17 और 18 तारीख को है ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी हल्की से मध्यम, और उसके साथ साथ जो हैवी से वेरी हैवी रेन्स है वो भी आपको कहीं कहीं पर प्रदेश में 17 और 18 तारीख को देखने को मिलेगी। 18 तारीख जो कुमाऊं रीजन है उसमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन्स है वो कुछ जगहों तक में मिलेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा कुमाऊं रीजन में, और साथ ही जो एक्सट्रीमली हैवी रेन है या अत्यधिक भारी वर्षा है वो भी कुमाऊं रीजन में कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी 18 तारीख में। तो इस लिहाज से देखेंगे ये 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, और साथ ही जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो भी काफी मॉडरेट से सीवियर तक जो है वो रहेगी। और कलियर नगर पंचायत में पीएम आवास योजना शौचालय के लाभार्थियों को चेक बांटे गए। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना व शौचालय के लाभार्थियों को नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में कैंप लगाकर चेक वितरण किए गए, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक करते हुए गीला कचरा और सूखा कचरे को अलग अलग करने के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सभासद प्रतिनिधि परवेज मलिक ने कहा कि शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वार्ड 1 के लाभार्थी नागरिकों को चेक वितरण किए हैं। एक बार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 171 जो लाभार्थी थे जो पात्र थे उनके इंशाल्लाह जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद उनके अकाउंट में 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि 171 के पहुंच जाएगी, और 10 जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सब हमारे जो है चेयरमैन साहब और सभासदगण PO साहब और समस्त स्टाफ की मेहनत से इनके अकाउंट में इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर तक पहुँच जाएगी जो प्रक्रिया है उसके पूरे होने के बाद। कितने आवास है? आवास हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण जमीन खाली नहीं है, इसलिए 10 जो है आवास स्वीकृत हुए हैं जो पात्र हैं, बाकी 171 स्वच्छ भारत मिशन के तहत। खबर कलियर से है, जहां सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं विधानसभा ज्वालापुर सीट पर कांग्रेसी नेता भूप सिंह ने जोरदार दावेदारी की। वहीं भूप सिंह का कहना है कि आगामी चुनाव को लेकर विधानसभा ज्वालापुर में जनता का मेरे प्रति बहुत प्यार है और जनता चाहती है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आए। भूप सिंह ने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार ही आएगी। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लगातार 2 बार का जिला पंचायत मेंबर और सामान्य सीट पर और निर्दलीय इस बार मैंने कांग्रेस का दामन पकड़ा है, और मेरे विकास में आज तक कोई शिकायत आप लोग देख रहे होंगे नहीं मिली। मैं चाहूंगा कि ज्वालापुर विधानसभा की जनता को मेरे द्वारा कोई शिकायत।
नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड और डेयरी सहकार के संघों में विभिन्न संविदा एवं ठेकेदारी पदों पर सीधी भर्ती के नाम पर प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में प्रेस वार्ता हुई। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ में इस तरह की कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं की जा रही है और न ही इस तरह का कोई भी प्रमाणित सूचना डेयरी फेडरेशन या डेयरी विकास विभाग द्वारा दुग्ध संघ को दी गई है। नैनीताल दुग्ध संघ में वर्तमान में कोई भी भर्ती प्रक्रिया गतिमान नहीं है, न ही कोई संविदा की, न नियमित और न किसी प्रकार की कोई हमारी न विज्ञप्ति जारी हुई, न कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें मेरा कहना है कि जो भी संस्था द्वारा या एजेंसी द्वारा विज्ञापन इत्यादि निकाले गए हैं, मेरे नज़रों में वो एक प्रकार से फर्जी हैं। और नैनीताल दुग्ध संघ के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग सचेत रहें और कोई उन विज्ञप्तियों के भ्रम में आकर के नैनीताल दुग्ध संघ के नाम पर कोई बात होती तो उसके लिए नैनीताल दुग्ध संघ। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ घटी घटना का असर अब धीरे धीरे उत्तराखंड में भी पनपने लगा है। आगामी 18 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद के लड्ढोरा रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। वहीं उनके द्वारा रेल रोको आंदोलन में भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने रेल का चक्का जाम करने की भी बात कही है। लंडौरा में प्रेस वार्ता कर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। आज की मीटिंग का हमारा उद्देश्य था, जो लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, मंत्री ना मंत्री के बेटे ने साजिश के तहत हमारे किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई, उसके उसमें हमारा आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का कि 18 तारीख को पूरे देश में रेल रोको आंदोलन कराया जाएगा। उसी क्रम में जनपद हरिद्वार में भी लंडोरा का जो स्टेशन है, लंडोरे के स्टेशन पर 10 बजे से 5 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, रेल रोकी जाएगी, रेल का चक्का जाम कराया जाएगा और जब तक मंत्री की गिरफ्तारी और इस्तीफा नहीं होगा, जो भी संयुक्त मोर्चा का जिस तरीके का आदेश आओगा, हम इसी तरीके से जनपद हरिद्वार में आंदोलन करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य ये है, अगर 18 तारीख को जो हमारा रेल रोको प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा का, तो उसे हमने लंडोरा जो सेंटर पड़ता है हमारा स्टेशन, वहाँ हमने लिया पूरे जिले का, वो सेंटर पड़ रहा है, लक्सर से भी इतना ही पड़ेगा, चारों तरफ से वो इतना ही पड़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे। जब तक वो मंत्री गिरफ्तार नहीं होगा, बर्खास्त नहीं होगा, तब तक जो भी आदेश ऊपर सब होगा वही आंदोलन यार। लंबे समय के बाद एक बार फिर पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने से मसूरी के व्यापारियों में खुशी की लहर देखने को मिली है। पिछले काफी समय से व्यापारी अपने व्यापार को लेकर चिंतित थे। पिछले 2 साल से कोरोना की मार पर्यटन व्यापार पर पड़ी है। अब जबकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी मसूरी की ओर आने लगे हैं, जिससे व्यापारियों को खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर पर्यटक मसूरी में लगातार आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यटक और द्वारा कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन करते हुए नहीं देखा गया। वहीं माल रोड पर पर्यटक बिना मास्क पहने दिखाई दिए। पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और जो भी पर्यटक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिखता है, उन पर चलानी कार्रवाई की जा रही है। मसूरी में आईटीबीपी के 38 जाबाज अधिकारी मुख्य धारा में शामिल हुए। मसूरी आईटीबीपी कैंप में 38 अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में पास आउट हुए हैं। सभी 38 जाबाज अधिकारी में 24 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल रहीं। कोविड काल में सभी अधिकारियों ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक मेडिकल सेवा में बेहतर कार्य किया है। बता दें कि परेड की सलामी डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी विजय अरोड़ा ने ली है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।